नमस्कार, मैं हूँ सांत्वना और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आज के ज़माने में मोहब्बत को मंजिल मिलना बेहद मुश्किल है, लेकिन अगर इस ज़माने में मोहब्बत को मंजिल मिल जाती है तो इससे बड़ी खुशी की बात कुछ और नहीं होती। कुछ ऐसा ही हुआ है बिहार के बक्सर जिले में, जहाँ कोरोना सराय थाने में एक बेहद ही अनोखी शादी हुई है। आपको बता दें, एक प्रेमी जोड़ा था जो पिछले 4 वर्षों से साथ था। दोनों की अपने ही गाँव में नजरें मिली, फिर प्यार हुआ और धीरे धीरे प्यार परवान चढ़ गया। लेकिन इसकी भनक दोनों के परिवार वालों को लगी, जहां परिवार वालों ने उनके प्रेम का विरोध किया और इस विरोध के बाद दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई और साथ फरार हो गए। क्या है पूरी खबर, आइए बताते हैं आपको विस्तार से। जिले के कुरान सराय थाने में शनिवार को एक अनोखी शादी देखने को मिली। एक प्रेमी जोड़ा जो लगभग 4 वर्षों से एक दूसरे को जानते थे, वह शादी की नियत से घर से फरार हो गए। दोनों के घर छोड़कर भागने की खबर आग की तरह फैलते ही दोनों के परिजन भी अपने स्तर से पता लगाने में जुट गए। जब 2 दिनों बाद प्रेमी युगल खलवा इमार गांव में मिले, इसके बाद मामला थाना तक जा पहुंचा। वहीं कुरान सराय थाना अध्यक्ष जुनैद आलम ने प्रेमी जोड़े के परिजनों को भी बुलाया और फिर उनकी सहमति से थाने में ही दोनों की शादी करा दी गई। दुल्हा बने शिवाजी सिंह ने बताया कि दोनों एक दूसरे से पिछले 4 सालों से प्यार करते थे। परिजनों के विरोध के कारण हमें शादी करने के लिए घर से भागना पड़ा। थाने में हुई शादी के बाद दूल्हे राजा अब काफी ज्यादा खुश हैं। अपनी मनपसंद दुल्हन पाकर एक तरफ जहां पति शिवजी सिंह खुश है, वहीं अपने प्रेमी को पाकर दुल्हन भी काफी खुश थी। उसने बताया कि 2 दिन पहले हम घर से निकले थे, जहाँ थानेदार की पहल पर हमारी शादी हुई और हम खुश हैं। घर वाले अभी नाराज हैं, हम उन्हें मना लेंगे। कुरान सराय थाने में दोनों प्रेमी को लाने के बाद दोनों के परिजनों को भी थाना अध्यक्ष जुनैद आलम द्वारा इस अनोखी शादी के लिए पहल करते हुए परिजनों के साथ साथ आसपास के लोग भी शामिल हुए। दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देकर उनके वैवाहिक सुखद जीवन के लिए आशीर्वाद दिया। यही नहीं, संयोग वश पहुंचे पंडित जी भी इन दोनों की शादी कराई। पंडित बने शिवजी उपाध्याय ने बताया कि मेरे जीवन की यह पहली ऐसी शादी है जिसे मैंने थाने में संपन्न कराया है। ऐसी शादी कराकर हम भी बहुत खुश हैं। अपना आशीर्वाद देकर नव दंपत्ति को उन्होंने भी खुशहाल रहने का आशीर्वाद दिया। जैसे ही इस अनोखी शादी के बारे में सबको पता लगा तो लोग कुरान सराय थाने के शिव मंदिर में इस शादी को देखने के लिए पहुंच गए। पहुंचने के लिए वर वधु के गांव के ही रिटायर्ड इंस्पेक्टर जनार्दन सिंह भी पहुंच गए। जब इस मामले पर उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस तरह की शादी काफी अच्छी और सराहनीय शादी है, क्योंकि अंतरजातीय विवाह होने से लोगों के मन में जात पात का मन का क्लेश खत्म होगा। साथ ही बताया कि थाने में हुए शादी के बाद अब किसी को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि पहले परिजनों को उनके प्रेम प्रसंग को लेकर विरोध के बाद अब जब थाने में इस तरह की शादी हुई तो इसके बाद सब लोग खुश हैं। और आपको बता दें कि सरकार ने भी अंतरजातीय शादियों को बढ़ावा देने का मन बनाया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। अनेक अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।